नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे संविदा अधिनियम 1872 के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में संविदा का अर्थ एवं इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम बताने वाले हैं और ये संविदा अधिनियम का पहला भाग है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्ट्रैक्टम से हुई है, जिसका अर्थ है आपस में मिलाना। सामान्य शब्दों में संविदा से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी कार्य को करने अथवा न करने हेतु आपस में मिलाने वाले समझौते अथवा करार से है। वैधानिक दृष्टिकोण से संविदा का अर्थ विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। संविदा की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। सॉलमंट के अनुसार, संविदा एक ऐसा करार है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उसकी व्याख्या करता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि संविदा में दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं। पक्षकारों के बीच एक करार या समझौता होता है। इस करार से पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न होता है और यह करार पक्षकारों के दायित्वों की व्याख्या करता है। सर विलियम एनसन के अनुसार, संविदा दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किया गया एक ऐसा करार है जिसको विधि द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है तथा जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने अथवा ना करने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। सर विलियम एनसन की परिभाषा की व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि संविदा एक ऐसा करार होता है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं और यह करार विधि के प्रावधानों के अधीन परिवर्तनीय कराया जा सकता है। इस करार के अधीन पक्षकारों को किसी कार्य को करने अथवा ना करने के बारे में एक दूसरे के विरुद्ध कुछ वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लीग के अनुसार, संविदा वैधानिक अनुबंध होने की दृष्टि से एक ऐसा करार है जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा और जिसको परिवर्तित कराने का दूसरे पक्ष को वैधानिक अधिकार होगा। लीग द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट होता है कि संविदा एक करार है जो वैधानिक आधार पर किया जाता है और उसके दो पक्षकार होते हैं। इस करार के अनुसार एक पक्षकार निश्चित दायित्व का निष्पादन करने के लिए बाध्य होता है और दूसरे पक्षकार को यह वैधानिक अधिकार होता है कि वह पहले पक्षकार से उसके दायित्व का निष्पादन करा सके। लॉर्ड हॉल्सबरी के अनुसार, संविदा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक करार है जो विधि द्वारा परिवर्तित कराने के उद्देश्य से किया जाता है और जिसका निर्माण एक पक्षकार द्वारा किसी कार्य को करने अथवा करने से दूर रहने, दूसरे पक्षकार के प्रस्ताव की स्वीकृति देने के परिणाम स्वरूप होता है। इस परिभाषा में बतलाया गया है कि संविदा दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किया गया करार है जो कानून द्वारा परिवर्तित कराने के उद्देश्य से किया जाता है। संविदा का निर्माण एक पक्षकार द्वारा किसी कार्य को करने अथवा ना करने के बारे में प्रस्ताव करने तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप होता है। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार, प्रत्येक करार एवं वचन जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा है। सर फ्रेडरिक पोलक द्वारा दी गई परिभाषा संक्षिप्त एवं पूर्ण है। इस परिभाषा में सार रूप से यह कहा गया है कि जो करार विधि के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तनीय कराया जा सकता है वही संविदा हो सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H के अनुसार, संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है। यह परिभाषा भी संक्षिप्त किंतु पूर्ण है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि संविदा बनने के लिए किसी करार का विधि द्वारा परिवर्तनीय होना आवश्यक है। जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है वह संविदा नहीं बन सकता है। सर फ्रेडरिक पोलक एवं भारतीय अनुबंध अधिनियम के धारा 2H में दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि संविदा के निर्माण करने के लिए दो बातों का होना अति आवश्यक है। प्रथम, पक्षकारों के बीच करार अथवा समझौते का होना तथा द्वितीय, उस करार या समझौते का विधि द्वारा लागू होना। अब प्रश्न यह उठता है कि एक करार को विधि द्वारा परिवर्तनीय कब कराया जा सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 में उन सभी लक्षणों को बतलाया गया है जो एक करार को विधि द्वारा परिवर्तनीय कराने के लिए आवश्यक होते हैं। इस धारा के अनुसार सभी करार संविदा हैं यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें संविदा करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल के लिए तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं
जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि भारत में प्रचलित किसी विशेष विधि द्वारा अनिवार्य हो तो करार लिखित हो अथवा साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो अथवा रजिस्टर्ड हो। उपयुक्त वर्णित सभी परिभाषाओं के विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि संविदा से आशय उस करार से है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है और जिसके अंतर्गत एक पक्षकार का किसी काम को करने अथवा ना करने के लिए वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है तथा दूसरे पक्षकार को पहले पक्षकार के विरुद्ध वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम व्यापारिक अथवा व्यावसायिक विधि की एक महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि अधिकांश व्यापारिक व्यवहार चाहे वे साधारण व्यक्तियों द्वारा किए जाएं या व्यवसायिकों द्वारा किए जाएं संविदों पर ही आधारित होते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को पारित किया गया और 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। भारतीय संविदा अधिनियम को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें प्रथम भाग में धारा 1 से 75 तक हैं जो अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित हैं और सभी प्रकार के अनुबंधों पर लागू होती हैं। द्वितीय भाग में धारा 76 से 266 तक हैं जो विशिष्ट प्रकार के अनुबंधों जैसे वस्तु विक्रय, क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, निक्षेप, गिरवी, एजेंसी तथा साझेदारी से संबंधित हैं। 1930 में वस्तु विक्रय से संबंधित धाराओं को निरस्त करके पृथक से वस्तु विक्रय अधिनियम बनाया गया। इसी प्रकार 1932 में साझेदारी अनुबंधों से संबंधित धाराओं को इस अधिनियम में से निरस्त कर दिया गया और पृथक साझेदारी अधिनियम बनाया गया। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में आधारभूत शब्दों को परिभाषित किया गया है। धारा 2A प्रस्ताव, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी काम को करने अथवा ना करने के संबंध में अपना विचार इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव किया है। धारा 2B वचन, जब व्यक्ति किसी सम्मुख प्रस्ताव किया गया है उसके प्रति अपनी सहमति देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वह वचन कहलाता है। धारा 2C वचनदाता एवं वचन ग्रहीता, प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावक अथवा प्रतिज्ञाकर्ता अथवा वचनदाता कहते हैं तथा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को वचन ग्रहीता अथवा स्वीकारकर्ता कहते हैं। धारा 2D प्रतिफल, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा करने से विरत रहा है अथवा कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है अथवा कोई कार्य करने अथवा विरत रहने का वचन देता है तो ऐसा कार्य वृत्ति या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। धारा 2E करार, प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो दूसरे का प्रतिफल हो करार कहलाता है। धारा 2F पारस्परिक वचन, ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल होते हैं पारस्परिक वचन कहलाते हैं। धारा 2G शून्य करार, वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है शून्य करार कहलाता है। धारा 2H संविदा, ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा है। धारा 2I शून्य करणी संविदा, ऐसा करार जो उसके एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय हो किंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं होता है शून्य करणी संविदा कहलाता है। धारा 2J शून्य संविदा, एक संविदा जब वह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो पाता है उस समय शून्य हो जाता है जब वह इस प्रकार परिवर्तनीय नहीं हो पाता है। संविदा का अर्थ, संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा विधि द्वारा परिवर्तन किया जाने वाला करार है। विधि द्वारा परिवर्तन ना किए जाने वाले करार संविदा नहीं होते। करार का अर्थ है एक वायदा या अनेक वायदों का समूह जो एक दूसरे के अनुसार किए जाते हैं और वायदा तब किया जाता है जब प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। निहितार्थ में करार एक स्वीकृत प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में करार में एक प्रस्ताव और इसकी स्वीकृति होती है। प्रस्ताव करार निष्पादित करने की प्रक्रिया का आरंभ बिंदु है। प्रत्येक करार की शुरुआत एक पक्ष द्वारा कुछ बेचने या सेवा प्रदान करने इत्यादि का प्रस्ताव से होती है। कानूनी बाध्यता सृजित करने का इच्छुक व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य की इच्छा करने, ऐसे कार्य को करने ना करने के प्रति दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए दृष्टि से सूचित करता है तो वह व्यक्ति प्रस्ताव कर रहा कहा जाता है।
प्रस्ताव की स्वीकृति से करार की उत्पत्ति होती है। इस तरह स्वीकृति संविदा करने का दूसरा चरण है। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों पर उस व्यक्ति की सहमति की अभिव्यक्ति है जिसे प्रस्ताव की गई है। इसमें उस व्यक्ति को उसे सूचित की गई प्रस्ताव की शर्तों से आबद्ध होने की इच्छा व्यक्त होती है। वैध होने के लिए स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के बिल्कुल अनुरूप होनी चाहिए या बिना शर्त और पूर्ण होनी चाहिए, और यह आवश्यक है कि प्रस्ताव व्यक्ति को सूचित की जानी चाहिए। कोई करार तब संविदा बनता है यदि वह विधि सम्मत प्रतिफल के लिए और विधि सम्मत उद्देश्य के लिए संविदा करने हेतु सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो और स्पष्ट रूप से निरस्त ना किया गया हो। संविदा निश्चित रूप की होनी चाहिए और इसका प्रयोजन विधि संबंध स्थापित करना होना चाहिए। संविदा करने वाले पक्षों में इस निष्पादित करने की कानूनी क्षमता होनी चाहिए। संविदा अधिनियम के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस कानून जिसके वह अध्याधीन है के अनुसार वयस्क हो चुका हो और जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो और जो किसी ऐसे कानून जिसके अधीन है द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। इस तरह अवयस्क मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति और किसी विधि द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति संविदा करने में अक्षम है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप इंडियन लॉ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप किसी प्रकार का कोई सुधार या संशोधन चाहते हैं या कुछ आप नया जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।